देखो इसमें ना मैथ मैथ में तीन चीज़ बटा हुआ है, ठीक है, मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, तो मैथ मैथ जो हमारा 40 मार्क्स का आता है, ठीक, स्टैट्स जो है वो भी 40 मार्क्स का आता है, ठीक, और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आता है। तो आज हम इसमें आप तुम्हें बताना चाह रहे हैं मैथ के बारे में, ठीक है। 40 मार्क्स कैसे आता है, मतलब किस पोर्शन में, किस कंटेंट में कैसे कैसे आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमेशा मतलब 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, 6 मार्क्स का, ठीक। और इक्वेशन इक्वेशन पाँच इक्वेशन में जो है ये पाँच, 3 या 5 नंबर का अप्रोक्स आ जाता है, ठीक। उसके बाद 14 मार्क इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन दोनों मिला के 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद टाइम वैल्यू मनी 14 मार्क्स का आता है, ठीक। PNC 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद APGP 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। सेट रिलेशन फंक्शन में दो दो मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद ये भी मतलब 4 नंबर का आता है, ये इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन दो दो नंबर का है। क्या ये मतलब दो नंबर का, देखो ऐड करते हैं, जैसे 6 है, 5 है, 14 है, उसके बाद तुमको 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, फिर एक इसमें 4 ले लो क्योंकि इन सेट फंक्शन में जैसे 3 है ना, तो 4 40 नंबर के हैं, मतलब टोटल हो जाते हैं, ठीक है।